तो गाइस फाइनली IQ कंपनी ने अपनी एक और न्यू फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज जो उसको लॉन्च कर दिया है, जो कि है IQ 10। तो इस सीरीज के अंदर आपको दो मॉडल देखने को मिल जाते हैं, जो कि जो उसका पहला मॉडल है वो है IQ 10 और जो दूसरा मॉडल है वो है IQ 10 Pro। तो ये दो मॉडल देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर, और दोनों ही फोन के अंदर आपको काफी तगड़े स्पेसिफिकेशन, लेटेस्ट प्रोसेसर, उसी के साथ आपको इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं, मीन्स अगर हम बात करें प्राइस वगैरह की, तो वो भी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल देखने को मिल जाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं दोनों फोन के ऊपर बात करेंगे कि इस फोन के अंदर आपको क्या कुछ खास देखने को मिलता है, क्या प्राइस है इसकी, और ये फोन हमें इंडिया में कब तक लॉन्च देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल ये सिर्फ और सिर्फ चाइना के अंदर लॉन्च हुआ है और वहां पर ये लॉन्च हो चुका है, और अभी कुछ टाइम बाद जो है इंडिया के अंदर भी लॉन्च देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इन दोनों ही फोन के डिटेल्स के बारे में कि इसके अंदर में क्या कुछ खास देखने को मिलता है। तो बात करते हैं सबसे पहले IQ 10 Pro के डिजाइन के बारे में। तो जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पे देख पा रहे हो, इस टाइप का डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है इस फोन का, जो कि काफी अलग डिजाइन है, मीन्स की जो पहले भी इन्होंने लॉन्च किया था उसी से थोड़ा बहुत मिलता है, बट आपको काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं इस फोन के अंदर। बात करें फोन के अंदर हम डिस्प्ले साइज की, तो इस फोन के अंदर आपको 6.78 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसका जो रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है वो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। मींस कि फोन के अंदर जो डिस्प्ले है वो 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक जा सकती है, जिसका मतलब शायद आप लोग समझ भी गए हो कि ये जो डिस्प्ले इसके अंदर आपको देखने को मिलती है वो एक LTPO डिस्प्ले देखने को मिलती है, यानी कि ऑलवेज ऑन वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है इस फोन के अंदर। तो काफी ज्यादा अच्छी चीज देखने को मिल जाती है। वहीं पर बात करें फोन के अंदर इसके डिस्प्ले की ब्राइटनेस की, तो इसके अंदर आपको 1500 nits पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, जो कि भाई लिटली बहुत ज्यादा है। अगर आप लोग एकदम तगड़ी धूप के अंदर भी फोन को यूज करते हो तो इसकी जो डिस्प्ले आपको क्लियरली विजुअल दिखाई देगी, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ ये जो डिस्प्ले एक 2K डिस्प्ले और इसके अंदर आपको HDR 10 प्लस वगैरह का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो अगर हम बात करें डिस्प्ले वाइज तो काफी अमेजिंग डिस्प्ले देखने को मिल जाती है इस फोन के अंदर। अब उसी के बाद अगर हम बात करें फोन के अंदर स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए, तो फोन के अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और अगर हम बात करें यहीं पे इसके अंदर गेमिंग की, तो इसके अंदर आप गेमिंग एकदम नेक्स्ट लेवल की कर सकते हो, एकदम नेक्स्ट FPS के साथ और नेक्स्ट हाई सेटिंग के साथ आप इस पे गेम प्ले कर सकते हो, बिकॉज इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है जो ग्राफिक कार्ड होता है, मीन्स कि अगर हम बात करें GPU की, तो इसके अंदर आपको जो GPU देखने को मिल जाता है वो Adreno 730 का GPU देखने को मिल जाता है, जिससे कि अगर आप लोग इस पे गेमिंग करना चाहते हो, फिर चाहे वह कॉल ऑफ ड्यूटी हो या फिर BGMI या फिर आप कोई सी भी गेम इस पे प्ले करना चाहते हो, आराम से स्मूथ तरीके से प्ले कर सकते हो, इसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा पावर देखने को मिल जाती है। आप बात करें फोन के अंदर अगर हम इंटरनल स्टोरेज और रैम वगैरह की, तो फोन के अंदर आपको 8 to 12 GB की LPDDR5 की रैम देखने को मिल जाएगी, और उसी के साथ इसके अंदर आपको 256 GB से लेके 512 GB तक UFS 3.1 की स्पीड की जो स्टोरेज है वो देखने को मिल जाएगी, जिसका मतलब है कि आप इसके अंदर डेटा ट्रांसफर वगैरह बहुत ही तेज कर सकते हो, जो कि आपको इसके UFS 3 के उससे देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग इसमें बाय करना चाहते हो वेरिएंट, तो इसके अंदर आपको 8 GB रैम प्लस 256 GB स्टोरेज और 12 GB रैम प्लस 256 GB स्टोरेज, और जो तीसरा वेरिएंट है वो है 12 GB रैम प्लस 512 GB स्टोरेज का देखने को ऑप्शन मिल जाता है इसके अंदर। चलिए अब बात कर लेते हैं इस फोन के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए। तो इस फोन के रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि जो इसका प्राइमरी कैमरा है वो 50 MP का वाइड एंगल कैमरा है, और वहीं पे इसके अंदर आपको सेकंड कैमरे की बात करें जो कि अल्ट्रा वाइड है, तो वो भी 50 MP का देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके अंदर हम तीसरे कैमरे की, जो कि है 14.6 MP का कैमरा है, और ये एक टेलीफोटो जूम लेंस है, जिसमें कि अगर हम बात करें इसके अंदर आपको 3x ऑप्टिकल जूम देखने को मिल जाता है, और वहीं पे 40x डिजिटल जूम देखने को मिल जाता है। तो आप अच्छी खासी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी इसके रियर कैमरे से कर सकते हो। बात करें फोन के फ्रंट कैमरे की, तो फोन के फ्रंट में 16 MP का सिंगल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, और अगर हम बात करें इस फोन के रियर कैमरे से वीडियोग्राफी वगैरह की, तो आप 8K में 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो, जो कि लिटली काफी ज्यादा है, क्योंकि आपको बहुत ही कम फोन है जिनके अंदर ये चीज देखने को मिलती है। तो यार इस फोन के अंदर हम बात करें ना, फ्लेक्सिबल लेवल का एक तो फोन है, और इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस वाइज और कैमरा वाइज सब कुछ एकदम भर भर के देखने को मिल जाता है। तो मीन्स कि आप कुछ भी कर सकते हो
डिवाइस पे, चाहे गेमिंग कर लो, चाहे फिर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी, आराम से मूवी वगैरह भी शूट कर सकते हो। 8K की रिकॉर्डिंग यार कम नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा है। अभी तक कई ऐसे फ़ोन हैं जिनके अंदर 8K की वीडियो तक नहीं चलती, और इस फ़ोन के अंदर आपको 8K तक की रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है, जो कि आप लोग शायद जानते हो कि आईफोन के भी किसी मॉडल में अभी तक 8K की रिकॉर्डिंग देखने को नहीं मिलती। तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस चल रहा है वैसे एंड्रॉयड। अब बात करें अगर इसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसके अंदर आपको एंड्रॉयड 12 देखने को मिल जाता है, जो कि फन टच 12 OS पे बेस्ड है। अब बात करें अगर फोन के अंदर हम सिक्योरिटी की, तो भाई इस फोन के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि लेटली काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। अब बात कर लेते हैं फोन के अंदर कनेक्टिविटी की, तो इस फोन के अंदर आपको ब्लूटूथ, वाईफाई, NFC, GPS, चार्जिंग के लिए USB टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है। तो आपका फोन जो है लेटली काफी ज्यादा फास्ट चार्ज होने वाला है। खैर अभी उसके बारे में भी हम बात करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इस फोन के अंदर बैटरी और चार्जर की, तो इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाती है 4700 mAh की बैटरी प्लस 200 वॉट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है इस फोन के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि 200 वॉट का जो चार्जर होता है ना यार, लगाते ही मुझे ऐसा लगता है कि फ़ोन आधे घंटे के अंदर ही फुल चार्ज हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस स्पीड से इसके अंदर चार्जर आपको इनपुट देखने को मिलेगा लेटली बहुत ही ज़्यादा है। अब बात करें फ़ोन के अंदर इसी के और, तो इसके अंदर आपको रिवर्स चार्जिंग प्लस वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। अगर हम बात कर ले वायरलेस चार्जिंग की, तो आपको 50 वॉट का वायरलेस चार्जर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और वहीं पर जो इसका रिवर्स चार्जर है वो 10 वॉट का देखने को मिल जाता है। तो फ़ोन जो है एकदम फ्लेक्सिबल लेवल का है, और इसके अंदर आपको सच में सब कुछ फ्लेक्सिबल लेवल की देखने को मिल जाती है। फिर चाहे अगर हम बात कर ले डिस्प्ले की, या बात कर ले इसके प्रोसेसर की, या बात कर ले इसके अंदर रैम वगैरह की, या बात कर ले इसके अंदर कैमरे की, तो सब कुछ आपको एकदम नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाता है। इसके प्राइस के बारे में आपको लास्ट में बताऊँगा, बट अब उससे पहले हम बात करते हैं इसके दूसरे मॉडल की, जो कि है IQ10। तो अगर हम बात करें IQ10 के अंदर डिस्प्ले साइज की, तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है 6.78 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले, जिसका जो रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है वो 120Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। और इस डिस्प्ले के भी अंदर आपको HDR10+ वगैरह का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और उसी के साथ साथ इसके भी अंदर आपको 1500 nits पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। बात करके इस फोन के भी अंदर हम प्रोसेसर की, तो इसके भी अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 4nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और इस फोन के भी अंदर आपको जो GPU यानी जो ग्राफिक कार्ड है, वो इसके भी अंदर आपको Adreno 730 का GPU देखने को मिल जाता है। तो दोनों ही फोन पे आप अमेजिंग गेमिंग कर सकते हो, अगर आप गेमिंग के लिए स्पेशली बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो आराम से, कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करें फोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इस फोन के भी अंदर आपको एंड्रॉयड 12 देखने को मिल जाता है, जो कि फन टच 12 पे बेस्ड है। चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के अंदर हम इंटरनल स्टोरेज और रैम वगैरह की, तो इस फोन के अंदर आपको 12GB की LPDDR5 की रैम प्लस 512GB की इंटरनल स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और इसके भी अंदर आपको सेम वही UFS 3.1 का Version 6 वाला देखने को मिल जाता है। तो इसके भी अंदर आप डेटा वगैरह आराम से फास्ट ट्रांसफर कर सकते हो आराम से। अब बात कर लेते हैं फोन के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए, तो इस फोन के रियर में भी आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि जिसका पहला कैमरा है वो है 50MP का, दूसरा कैमरा है 13MP का, और जो तीसरा कैमरा है इसके अंदर आपको 12MP का देखने को मिल जाता है। वहीं पर बात करें फोन के फ्रंट कैमरे की, तो इसके भी फ्रंट में आपको 16MP का सिंगल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। बात कर गए इस फोन के अंदर भी कनेक्टिविटी की, तो इसके भी अंदर आपको ब्लूटूथ, वाईफाई, NFC, GPS, चार्जिंग के लिए USB टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है, और उसी के साथ साथ इस फोन के अंदर आपको सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। अब बात कर ले अगर इस फोन के अंदर हम बैटरी और चार्जर की, तो इस फोन के अंदर आपको 4700 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, बट इसके साथ आपको 120 वॉट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो देखो अब ये नॉन प्रो मॉडल है, तो इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत कम चीज़ें देखने को मिलेंगी, बट इसके भी अंदर आपको जो डिस्प्ले वगैरह काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, प्रोसेसर एकदम लेटेस्ट देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ इसके भी अंदर आपको रैम वगैरह जो है काफ़ी पावरफुल देखने को मिल जाती है। तो अगर हम बात करें दोनों ही फोन पे गेमिंग वगैरह की, तो दोनों पे आप एकदम नेक्स्ट लेवल की कर सकते हो। अब यार देखो जाहिर सी बात है कि ये एक फ्लेक्सिबल सीरीज है, तो इसके अंदर आपको सब कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल की देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि कंपनी जो है कंजूसी कर ले और आप लोगों को मजा आना है। तो देखो जिस हिसाब से प्राइस ले रहे हैं, तो उस हिसाब से इसके अंदर आपको चीजें भी देखने को मिल जाती है। इतना फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी फ़ोन है जिनके साथ नहीं मिलता, बट इसके अंदर आपको जो प्रो वाला मॉडल है उसके अंदर 200 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, और वहीं पे इसके साथ आपको 120 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। तो अगर एक तरफ से बात करें ओवरऑल इसके पैकेजिंग की, तो फ़ोन के अंदर आपको सारी सारी चीज़ें जो एकदम पावरफुल पैक करके दे दी जाती है।
चलिए अब बात करते हैं इन दोनों फोन के प्राइस की कि क्या प्राइस देखने को मिलती है। तो देखो फिलहाल तो ये फोन अभी जो है चाइना के अंदर लॉन्च है और चाइना में जो इसकी प्राइस है अगर हम बात करें IQ10 की जो कि उसका बेस वेरिएंट है जो कि है 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज, अगर हम बात करें उसके स्टार्टिंग प्राइस की तो वो है 43,900 कुछ समथिंग, यानी कि 44,000 रुपये से उसकी स्टार्टिंग होती है। और वहीं पर जो उसका टॉप ऑफ द वेरियंट है जो कि है 12GB रैम प्लस 512GB स्टोरेज वाला, उसकी जो प्राइस देखने को मिल जाती है वो है 51,000 रुपये, यानी कि 50,900 कुछ समथिंग। तो 44,000 रुपये से लेके 51,000 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल जाता है IQ10। वहीं पे बात करें इसके दूसरे मॉडल की जो कि है IQ10 Pro, अगर हम बात करें इसके बेस वेरिएंट की प्राइस की स्टार्टिंग की जो कि है 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज की प्राइस की, तो वो हमें देखने को मिल जाती है 59,000 रुपये से। और इसका जो टॉप ऑफ द वेरियंट है जो कि है 12GB रैम प्लस 512GB स्टोरेज वाला, उसकी जो प्राइस देखने को मिल जाती है वो है 70,000 रुपये। तो यानी कि दोनों ही फ़ोन की अगर हम बात करें तो 44,000 रुपये से लेके 70,000 रुपये के अंदर ये दोनों ही मॉडल हमें देखने को मिल जाते हैं। बट ये बात कर रहा हूँ मैं चाइना के प्राइस की, क्योंकि इंडिया के अंदर जब ये फ़ोन लॉन्च होगा तो इस पर कस्टम ड्यूटी चार्ज लगने की वजह से इसकी प्राइस जो है आपको 5,000 से 10,000 रुपये ज़्यादा देखने को मिल सकती है, यानी कि आपको समथिंग ये 80,000 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। बट इसके अंदर आपको जो एकदम फ्लेक्सिबल लेवल की चीज़ें देखने को मिलती है ना वो लेटली काफ़ी ज़्यादा है। वैसे आप लोग क्या इंटरेस्टेड हो इस फ़ोन को बाय करने के लिए? अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो और आप लोगों को लगता है कि ये इस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हो सकता है तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना मुझे कि हाँ भाई ये इस प्राइस पॉइंट पे हाँ इंडिया में लॉन्च हो सकता है। और इसी के साथ साथ ये फ़ोन कब तक लॉन्च हो सकता है इंडिया के अंदर, ये चीज़ भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। वैसे तो अभी कोई भी लीक्स इसकी सामने निकल के नहीं आई है कि कब तक इंडिया के अंदर लॉन्च देखने को मिल सकता है, बट अगर मैं मानूँ अपनी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो साल है एंड होने से पहले पहले देखने को मिल सकता है, मीन्स कि एंड ऑफ द ईयर ये फ़ोन हमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है सितंबर अक्टूबर के आसपास देखने को मिल सकता है, या हो सकता उससे भी थोड़ा बहुत डेट डिले हो जाए। वैसे जब भी इससे रिलेटेड कोई न्यू अपडेट आएगा लॉन्च से इंडिया के अंदर तो आपको जो है इसी चैनल पे इसका अपडेट मिल जाएगा, मेरे कम्युनिटी टैब के अंदर इसका अपडेट जो है मिल जाएगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना, आशा करता हूं मेरी तरफ से दी जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसी और अमेजिंग टेक वीडियो के लिए। अगर आपका कोई सवाल, आपका कोई सुझाव तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तो मिलते हैं इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।